हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एंशंट टाइम में हुआ करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बताऊंगी मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नालंदा प्राचीन समय का एक उच्च स्तर की शिक्षा का केंद्र था और ये एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी, जो कि मगध यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम में बात करें तो बिहार में लोकेटेड है। नालंदा सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी थी जहां उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ा करते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और साथ ही तुर्की से आते थे। यहां करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाया करते थे। इसके अलावा बात करें तो वैसे तो नालंदा गुप्ता काल के कुमार गुप्त प्रथम द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद से भारत के कई राजाओं द्वारा कई बार इस यूनिवर्सिटी को रेनोवेट भी कराया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा में उस दौरान बौद्ध धर्म के अलावा ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे जो आज के टाइम पे शायद ही आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एक साथ देखने को मिले। बहुत से सब्जेक्ट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे, फिर चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेट हो, साइंस से रिलेट हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आर्ट हो या और भी बहुत सारे। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए करीब 9 मंजिल की एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 3,00,000 से भी ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। बात करते हैं यहाँ के टीचर्स की, तो नालंदा के जो टीचर्स हुआ करते थे उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से 3 श्रेणियों में रखा जाता था। जो सबसे श्रेष्ठ हुआ करता था वो पहली श्रेणी में आता था। और आपको बता दूं, यहाँ के हर एक टीचर एक से बड़े एक विद्वान भी उस वक्त के हुआ करते थे। शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती यहाँ के प्रमुख आचार्यों में से थे। अब देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आज के समय में आपको किसी भी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो फिर ये तो मतलब जितना बड़ा यूनिवर्सिटी होगा उतना बड़ा आपका टफ आपका एग्जाम होता है। तो ये तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी है। आपको क्या लगता है, क्या इस यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़ने चला जाता था? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंशंट टाइम में लोगों को 3 स्टेजेस के एग्जाम पैटर्न से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी हुआ करता था। और इसके साथ साथ उनके अंदर वैल्यूज़, डिसिप्लिन होना भी एक बहुत ही ज़रूरी डिमांड नालंदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए होती थी। यानी कि सिर्फ इंटेलिजेंट और हाई वैल्यू के स्टूडेंट्स ही नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर सकते थे और इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के गेट पर जो गार्ड उस वक्त हुआ करते थे वो भी स्टूडेंट से सवाल जवाब किया करते थे, जिनका उन स्टूडेंट्स को सही आंसर भी देना होता था। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एंशंट समय की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और पहली यूनिवर्सिटी जिसको टक्कर आज प्रेजेंट डे में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, आखिर वो एक खंडर में कैसे बदल गई? इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार बात करें तो एक समय था जब बख्तियार खिलजी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार भी किया, परंतु उन्हें कोई भी फायदा इसमें नज़र नहीं आया। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई थी। उसने वैसे तो आचार्य राहुल को बुलवा लिया था तथा इलाज से पहले ये भी शर्त लगा दी थी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने ये कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो आचार्य की हत्या भी करवा देगा। अब अगले ही दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए
और ये कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक खिलजी को पढ़ना है और वो ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा भी और वो ठीक भी हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान कैसे श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी थी। वहाँ दोस्तों इतनी पुस्तकें, इतनी किताबें वहाँ पर थी, इतनी तेज़ी से, इतनी भयंकर तरीके से वहाँ आग लगी थी कि करीब 3 महीने तक वो किताबें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी मार डाले। खिलजी के ठीक होने के जो वजह बताई जाती है वो ये थी कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों यानी कि जो पेजेस होते हैं उनके कोनों पर अदृश्य दवा का लेप लगाया था, और जैसे ही खिलजी उनको पढ़ने के लिए अपने थूक का इस्तेमाल करता था तो वो पेज के साथ साथ दवाई को भी अपने अंदर लेता चला जाता था। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इससे भारत फिर से बहुत ही साल पीछे चला गया था, क्योंकि उस दौरान डिजिटल जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, यानी कि हमारा जो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास था वो मात्र इन 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकों में कैद था जो कि खिलजी द्वारा जला दी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी मात्र अब एक खंडर है जो चीख चीख के आज भी अपनी आत्मकथा हमें सुनाती है। तो दोस्तों, कभी भी बड़े बड़े देशों को देखकर अपने भारत देश पर ये टॉन्ट मत मारिए कि भारत कई पावरफुल देशों से पीछे है या पिछड़ा हुआ है, बल्कि फक्र महसूस कीजिए कि जब से सभ्यता बसना शुरू हुई है तब से ही भारत पूरे विश्व भर में ज्ञान का एकमात्र भंडार था और सभी को ये ज्ञान भी बांटता था, जहाँ सभी विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और जिसे हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भी खो दिया क्योंकि हमने ही बख्तियार खिलजी जैसे शासकों को हम पर राज करना भी दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन लगी होगी। चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।